यंगर जनरेशन के बीच रोबोट मूवीज वन ऑफ द फेवरेट्स है, और क्यों ना पसंद हो, VFX से लेकर फाइट सीक्वेंस तक काफी डिस्ट्रक्टिव दिखाया जाता है। इस लिस्ट में हम ऐसे ही कुछ मूवीज को कवर करेंगे जिसे आप देख नजरें ना हटा पाएंगे। लिस्ट की शुरुआत करेंगे स्टीवन स्पीलबर्ग के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। फ्यूचर में लोग इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो रोबोट्स में इमोशंस डाल देते हैं ताकि ये रियलिस्टिक रोबोट्स हर आदमी की डे टू डे काम में मदद कर सके। इसी तरह का एक रोबो किट डेविड को बनाया जाता है, जो अपने क्रिएटर और अपने क्रिएशन के सीक्रेट को पता करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ एक एडवेंचर में निकल जाता है। इस मूवी में एक अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ को दिखाया गया है, इसे जरूर देखिएगा। 9th पे है चैपी। दोस्तों ये स्टोरी है एक रोबोट चैपी के बारे में। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल एक बच्चे के जैसा होता है, लेकिन दो क्रिमिनल के हाथों लगने से वो उन्हीं की जीवन शैली को कॉपी करने लगता है। जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को कुछ करना सिखाते हैं, वैसे ही क्रिमिनल्स इसे पूरी ट्रेनिंग देते हैं क्राइम में हेल्प करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स है इसमें, इसे जरूर देखिएगा। अगली फिल्म है पैसिफिक रिम। बेसिकली सारी देश की मिलिट्री मिलकर येगर रोबोट्स बनाते हैं जो गॉडजिला साइज काइजू से लड़ते हैं। फाइट कोरियोग्राफी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, फिल्मिंग सब काफी डिसेंट है। अगर आप एक्शन मूवी लवर है तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नेक्स्ट है आई रोबोट। विल स्मिथ स्टार ये मूवी 2035 के अर्थ को दर्शाती है, जिसमें लोग फुली डिपेंडेंट होते हैं रोबोट सर्वेंट्स पे। ये AI टेक उन्हें हर चीज में मदद करती है। इस मूवी में विल स्मिथ एक डिटेक्टिव है जिन्हें एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्हें सोनी मिलता है, जो एक यूनिक रोबोट होता है। विल सोनी को दोष देते हैं मर्डर के लिए, लेकिन सच उससे भी पेचीदा है। 6th पे है 1982 की ब्लेड रनर। फ्यूचर में इंसान के पास ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन उनका धरती पे घुसना इलीगल है। वो बस आउटर स्पेस की कॉलोनीज में ही रहते हैं, लेकिन एक दिन 4 एंड्रॉइड रूस को तोड़ते हुए धरती पे अपने क्रिएटर की खोज में लग जाते हैं। इसी बीच रिक द रिटायर्ड ब्लेड रनर को फिर से ड्यूटी कॉल मिलती है ताकि इन्हें हंट किया जा सके, लेकिन रिक के भी अपने कुछ प्लान्स होते हैं जब वो 5th एंड्रॉइड रेचल से मिलता है और उससे प्यार करने लग जाता है। 5th पे है 2007 की ट्रांसफॉर्मर्स। दोस्तों मैं सिर्फ पहली मूवी की बात कर रहा हूँ, उसके सीक्वल्स की नहीं। दोस्तों माइकल बे ने क्यों बाकी मूवीज़ को बर्बाद कर दिया ये तो नहीं पता, लेकिन ये मूवी एक मास्टरपीस थी। लोगों ने पहली बार ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन्स को लाइव एक्शन अवतार में देखा और इस मूवी को खूब सारी पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिली थी। और रही बात CGI की, तो इस पार्ट की रियलिज्म अलग ही लेवल की थी, सो डू चेक आउट दिस मूवी। 4th पे एनिमेटेड मूवी बिग हीरो 6। स्टोरी है हीरो और उसके भाई के रोबोट बेमैक्स के बारे में। स्टोरी पेस पकड़ती है जब हीरो के बड़े भाई की एक्सप्लोजन में मौत हो जाती है, और वहां से हीरो बेमैक्स और उसके 4 दोस्त इस एक्सीडेंट के पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने लग जाते हैं। काफी ब्राइट और इम्पैक्टफुल एनिमेशन देखने मिलेंगे आपको, इसे भी आप अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। 3rd पे है आयरन जायंट। दोस्तों मूवी एक रोबोट के बारे में जो आउटर स्पेस से धरती में आके गिरता है और 9 साल का होकर उसे अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन US एजेंट केंट उस टाउन में पहुंचता है और किसी भी कीमत में उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्या होगा, तो अपने एलियन दोस्त को बचा पाएगा? मूवी में काफी हार्ट टचिंग और रुला देने वाले मूवमेंट्स है, और इसमें इन दोनों की दोस्ती को काफी हाईलाइट किया गया है। 2nd पे है एक साईफाई रोमांटिक मूवी वॉली। किसने कहा था कि रोबोट्स और वो भी एक कचरा उठाने वाला रोबोट प्यार नहीं कर सकता, कुछ इसी तरह की स्टोरी है वॉली और ईव के बारे में। जब ईव धरती में लाइफ की खोज करती है तब वो डीएक्टिवेटेड मोड में चली जाती है और वाली उसकी हर तरह से मदद करता है। मूवी में लोगों को फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया गया है कि वो कैसे मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे और हर छोटा काम भी मशीनों से ही करवाएंगे। ये डिज्नी की वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। और 1 पे सबकी फेवरेट टर्मिनेटर। एवरग्रीन मूवीज का सीधा उदाहरण है टर्मिनेटर। इस मूवी के बाद तो आर्नोल्ड चमक उठे थे हॉलीवुड में, और अभी भी लोग उन्हें टर्मिनेटर की भूमिका से बाहर नहीं देख पाते। स्टोरी स्टार्ट होती है 1984 के लॉस एंजलिस से, जहाँ फ्यूचर से आया हुआ टर्मिनेटर ह्यूमन काइंड के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान सारा कॉनर को मारने के लिए निकलता है, और उसके बीच कोई भी आता है तो वो उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन फ्यूचर से सारा के लिए मदद काइल रीस के रूप में आती है। क्या वो टर्मिनेटर को रोक पाएंगे और अपने फ्यूचर को बचा पाएंगे? कैसी लगी है लिस्ट आपको? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसे टॉप 5 और टॉप 10 के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।